नमस्कार, मैं रीमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि किचन। आज मैं बनाऊंगी इस तरह का छोले और ये बनाना बहुत आसान है, आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए देख लेते हैं हमें छोले बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए काबली चना 250 ग्राम, इसे रात भर पानी में भिगो दिए हैं। 3 टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट है, 1/2 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, हरी धनिया पत्ती, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, 1 मीडियम आकार का पिसा हुआ प्याज का पेस्ट है, 3 से 4 कली लहसुन और छोटा साइज अदरक, इसे भी पीस लिए हैं। सबसे पहले इस चने को उबाल लेते हैं प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और ये चना डाल देंगे। नमक 1 चम्मच डालेंगे। नमक डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तेज फ्लेम पे इसमें 6 सीटी लगाएंगे। 6 सीटी लग चुका है, प्रेशर कुकर पूरी तरह ठंडा हो चुका है। ढक्कन खोलकर चना को चेक कर लेते हैं। चना अच्छी तरह गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस चने को पानी से बाहर छान लेते हैं और पैन को गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च, सभी को थोड़ा चला देना है। फ्लेम को मीडियम रखना है। कुछ सेकंड हो चुका है, अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज का पेस्ट 1 मिनट इसी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें सभी मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, सभी को अच्छी तरह मिला देना है। इसी तरह इसे फ्राई करेंगे मसाला को। 30 सेकंड हो चुका है, अब इसमें डालेंगे टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट। सभी को अच्छी तरह मिला देना है और 1 मिनट इसे फ्राई करना है इसी तरह। हो चुका है और ये मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालेंगे चना। कुछ देर इसी तरह सभी को फ्राई करेंगे। नमक 1/2 चम्मच, ध्यान में रहे पहले भी हम लोग नमक डाले थे उबालते समय, तो अपना टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। सभी को अच्छी तरह चला देना है। सभी मसाले और चना अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें पानी डाल देते हैं।
एक छोटा कटोरा पानी डाले हैं, वैसे अपना जरूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। ये हरी धनिया पत्ती डाल देते हैं, सभी को अच्छी तरह चला देते हैं। फ्लेम को तेज कर देना है और 2 मिनट ढककर इसे पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाकर चला देते हैं। ये छोला पूरी तरह तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये छोले पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।